वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप सेल इंडस्ट्री यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 82.60 पे आज क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। सेल स्टॉक 55 पैसे की गिराव देखने को मिले स्टॉक के अंदर। मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि सेल स्टॉक में आज फिर से यहाँ पे तेजी के बाद फिर से बेरिश मूवमेंट देखने को मिले। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 83.15 थी, आज ओपन हुआ तो स्टॉक हल्का सा गैप अप से ओपन होने के बाद तेजी देखने को मिली थी, पर ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग के ज्यादा समय सेटल नहीं हो पाया। तो जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे देख सकते कि बेरिश मूवमेंट देखने को मिली थी, पर 82 लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे चुका था एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि 82 लेवल एक सपोर्टिव लेवल है स्टॉक के लिए। मार्केट कैप के ऊपर भी नजर डाली जाए तो 34.14,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक का। पी रेशियो भी अच्छा है 7.61 है और डिविडेंड यील्ड 10% के ऊपर। तो लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखी जाए तो देख सकते कोई खास मोमेंट देखने को नहीं मिली है। तो वॉल्यूम के ऊपर भी नजर डालेंगे, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम देखी जाए तो 1 करोड़ 20 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है टोटल स्टॉक के अंदर आज के दिन का। ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू देखी जाए तो 9,920.61 लाख का ट्रेडेड वैल्यू है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो ट्रेडेड है 99 लाख, उसमें से 34 लाख डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 34% क्वांटिटी नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए जा चुके हैं। चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए, कल थोड़ी अच्छी तेजी थी पर आज फिर से गिरावट हो गया और फिर से यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन है 200 मूविंग एवरेज उसी का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ चुका है। कल गैप डाउन से ओपन होता है तो फिर गिरावट हो सकती है, 80 लेवल तक ऊपर स्टेबल होता है तो बाउंस बैक भी हो सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।